हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हम सबकी फेवरेट ब्राउनीज, विच इज वॉलनट ब्राउनीज। चॉकलेट और वॉलनट का कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी रहता है, तो चलिए आज हम वॉलनट ब्राउनीज ट्राई करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक बड़ा बोल लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे बटर। ये एकदम रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत हार्ड। तो हम इसे थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल के रखेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, बट आपको ध्यान रखना है आपके ऑयल में कोई भी फ्रेग्रेंस या कोई स्मेल कोई फ्लेवर का नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा पाउडर्ड शुगर। हमने अपनी चीनी को अच्छे से पीस के इसमें ऐड कर दिया है। मिल्क मेड, मिल्कमेड से केक का टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि ये एगलेस है तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है हमें मिल्कमेड। अब हम ऐड करेंगे वनिला एसेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और इन सबको एक बहुत ही अच्छा मिक्स देके फ्लफी सा बैटर हमें रेडी करना है। तो गाइज, ये मिक्सचर एकदम एयरी एंड फ्लफी हो गया है, इसका कलर भी लाइट हो गया है। आपका कलर लाइट हो गया मतलब ये स्टेप आपने ढंग से कर लिया है, ये देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मिल्क, ये एकदम रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। केक्स के आप जो भी ब्राउनीज केक्स कुछ भी बेक कर रहे हैं, प्लीज ट्राई करिए जो भी आप सामान ले वो रूम टेम्परेचर पे हो। तो इसमें हमें ऐड कर देना है विनेगर और इसे 5 मिनट के लिए कर्डल होने के लिए रख देना है। तो गाइज, हमारा मिल्क कर्डल हो चुका है, इसमें अब हम ऐड करेंगे मिल्क। धीरे धीरे करके हमें इसे ऐड करना है। पहले कुछ पोर्शन डालेंगे हम, उसके बाद में हमें डालना है हमारा कोको पाउडर। अब इसे एक अच्छा मिक्स देना है। पूरा मिक्स करके जो भी इसके लम्स है ना, ये हमें निकालने हैं। बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। अब हमें लेना है रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा, इसमें हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। इसे भी एक अच्छा मिक्स देंगे और सिफ्ट करके यानी छान के हमें इसमें डालना है और थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते रहना है। इससे थोड़ा थोड़ा मिल्क थोड़ा थोड़ा हमारा मैदे डालने से कभी भी हमें डिफिकल्टी नहीं होती लम्स निकालने में। तो चलिए, अब बारी है मैदे की। तो हमारा बैटर तो एकदम रेडी हो चुका है, ये हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ब्राउनी के लिए। अब इसमें ऐड करने हैं वॉलनट्स, कुछ मैं बचा कर रखूंगी ताकि ऊपर से भी हम टॉप कर सकें। इसे भी हम एक अच्छा मिक्स देंगे बट स्लोली। तो अब मैंने यहाँ एक ब्राउनी टिन लिया है जिसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है एंड बटर पेपर भी लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना। तो अब हम ट्रांसफर करेंगे हमारा बैटर। अब हमें इसे अच्छे से टैप करना है ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाएं। अब हम इसमें ऐड करने हैं वॉलनट्स, आप इसके ऊपर थोड़ा और चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ब्राउनी एकदम रेडी है ओवन में जाने के लिए। इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे फॉर 30 to 35 मिनट्स, यानी जब तक क्लीन नहीं आ जाए। तो चलिए बेक करते हैं। ब्राउनी एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी है, मैं आपको टूथपिक चेक करके बताती हूँ। इट्स क्लीन। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।